किन लोगों को आप राशन तकसीम कर रहे हैं और ये जज्बा आया कैसे? ये देख के जैसे कराची के हालात चल रहे हैं और क्योंकि ये ग्राउंड्स मैन है जिनकी अभी नौकरियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, मैचेस होने नहीं हैं, तो स्कोरर भी परेशान थे, तो बाकी उसी के साथ साथ अंपायर्स भी हैं जो कि बेचारे मतलब ये बेरोजगार हो गए, मतलब ये क्रिकेट नहीं हो रही है इस वजह से जो नहीं है। मैंने सोचा कि ये जो हमारे से मुतालिक है जो पूरे साल खिदमत करते हैं ग्राउंडों में हमारी और प्लेयरों को बनाने में ग्राउंड मैनों का बहुत हाथ होता है, तो मैंने कहा कि कराची के जितने भी ग्राउंड हैं उनको कंसीडर किया मैंने, और मेरे साथ मोइन खान ने भी सपोर्ट की, मेरे दोस्त हैं असद रिजवी और अपना शाहीन भाई, इन्होंने भी मदद की है। तो कोशिश यही है कि ये जितने भी लोग रह गए थे इनको हम इस तरह से थोड़ी मदद करें, जिस तरह से कोरोना का चल रहा है उससे इफेक्ट हो रहा है, बेचारों की जॉब भी ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यही सिलसिला करना। 35 से 40 अंपायर्स आए हैं जो फर्स्ट क्लास के अलावा हैं जो कि यहाँ क्लब में हम इसमें करते हैं, बाकी जो भी ग्राउंड्स हैं कराची के जितने भी ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो सारे आ गए। जो है वो लाना है एहतियाती तदाबीर के तौर पे, बाकी हमने इनको मास्क कहा था कि भाई आपने इस्तेमाल करना है, तो वो एहतियाती तदाबीर को हमने मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों को कहा जो कि उन्होंने अमल किया, तो ये था हमारा इसमें मतलब इंस्ट्रक्शन। बाकी कुछ लोग ऐसे भी अंपायर्स और ये सब थे, कर हमारा इरादा तो था कि इनके घरों में पहुँचाए, मगर मैंने कहा कि नहीं ये ग्राउंड के लोग हैं तो इनको ग्राउंड में ही दे तो ज़्यादा मुनासिब है, तो मैंने ये सोच के इनको ग्राउंड में बुलाया, वो तमाम जो है अंपायर स्कोर ग्राउंड मैन वगैरह को मैंने, ठीक है।